हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपका इस उत्तराखंडी संस्कृति चैनल में, जिसमें मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब आप कहीं घूमने का भी प्लान बना रहे होंगे। अगर आप शिमला और गोवा जैसे पर्यटन की जगहों से थक चुके हो तो आपके लिए उत्तराखंड में घूमने लायक बहुत कुछ है। उत्तराखंड में आप नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार जैसे कई सुंदर जगह देख सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको नैनीताल के बारे में बताया है और आज हम बात करने वाले हैं रानीखेत के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आगे भी आने वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस शहर का नाम रानीखेत पड़ने के पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। कहा जाता है कि कत्यूरी राजवंश के राजा सुधार देव ने रानी पद्मिनी को प्रसन्न किया था। रानी पद्मिनी को यह जगह बहुत पसंद आई थी। उन्होंने यहीं रहने का मन बना लिया और रानी ने यहीं अपना निवास स्थान बना लिया। इसी कारण इसका नाम रानीखेत पड़ा। और यह भी कहा जाता है कि रानी ने अपना महल यहाँ बनवाया था, लेकिन इस महल की कोई निशानी अभी तक नहीं मिली। दोस्तों, कुमाऊं पर पहले नेपालियों का अधिकार था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1916 में जीतकर अपने अधीन कर लिया। जब कुमाऊं अंग्रेजी सरकार के अधीन आया तब रानीखेत पर सरकार का ध्यान गया। एक समय ऐसा आया कि ब्रिटिश सरकार ने रानीखेत में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाने की योजना बना ली, लेकिन बाद में इसे शिमला में बनाया गया। 1869 में अंग्रेजों ने रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय का निर्माण किया था, जो अब भारत सरकार की फौजी छावनी है। दोस्तों, रानीखेत घूमने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप यहाँ एक बार आओगे तो आपका बार बार आने का दिल करेगा, जिसमें रानीखेत के सुंदर पहाड़, हिमालय का सुंदर नज़ारा, मदद करने वाले लोग और शांत वातावरण, यही चीज़ हर किसी को यहाँ बार बार आने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रानीखेत के टॉप 11 जगहों के बारे में बताऊंगा। जब भी आप रानीखेत जाओगे तो इन टॉप 11 जगहों पर जरूर जाना। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है झूला देवी मंदिर। झूला देवी मंदिर रानीखेत का बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में किया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि यह मंदिर आसपास रहने वाले लोगों के पास ही जंगल में निवास करने वाले घातक जानवरों से रक्षा करता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से कुछ भी देवी माँ से मांगता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। अगर आप रानीखेत में हो तो इतने प्राचीन मंदिर को देखना और देवी माँ के दर्शन करना ना भूलें। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है चौबटिया बगीचा। चौबटिया बगीचा रानीखेत के सबसे पसंदीदा जगह में से एक है। रानीखेत में आने वाले अधिकतर टूरिस्ट चौबटिया बगीचा जाना जरूर पसंद करते हैं। 600 एकड़ में फैला यह बगीचा कई प्रकार के फलों के पेड़ और सुंदर फूलों से भरा है। यहाँ पर आपको नाशपाती, आड़ू, सेब, खुमानी के पेड़ भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चौबटिया बगीचे की हरी भरी सुंदरता और रंग बिरंगे फूलों को देखकर लोग यहाँ पिकनिक मनाने का भी लुत्फ उठाते हैं। इस बगीचे से आपको हिमालय की नंदा देवी, त्रिशूल, नीलकंठ आदि चोटियाँ भी दिखाई देती हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर बात करते हैं रानीखेत के गोल्फ कोर्स के बारे में। एशिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स जो कि रानीखेत में है, जिसे उपट गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। यह गोल्फ ग्राउंड गुलमर्ग के बाद एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। यही कारण है कि विदेशी पर्यटकों को यहाँ आना बहुत पसंद है। यहाँ की हरी भरी घास व शांत वातावरण में गोल्फ खेलना भी टूरिस्ट के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गोल्फ ग्राउंड की देखरेख का जिम्मा कुमाऊं रेजिमेंट का है, जिस कारण यहाँ सुरक्षा के पक्ष में भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, चौथे नंबर पर बात करते हैं आशियाना पार्क की। आशियाना पार्क जंगल के थीम पर बनाया गया है। यह पार्क रानीखेत शहर के बीच में स्थित है। आशियाना पार्क हमेशा से ही सैलानियों और स्थानीय लोगों का पसंदीदा रहा है। आशियाना पार्क में बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं और बड़ों के लिए भी देखने के लिए बहुत कुछ है। इस पार्क में सुव्यवस्थित लॉन, जड़ी बूटियों के बगीचे और फूलों के पेड़ भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पाँचवें नंबर पर आता है भालू डैम। भालू डैम बहुत ही सुंदर झील है, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। इस झील के पास आप सैर सपाटे के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ से हिमालय पर्वतों का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है।
प्रकृति से प्यार करने वाले लोगों को भालू डैम के आसपास रहने में बहुत ही ज़्यादा आनंदित महसूस होता है। दोस्तों, छठे नंबर पर आता है कुमाऊं रेजिमेंट संग्रहालय। इस संग्रहालय में देखने के लिए बहुत कुछ है। यह भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा बनाया गया संग्रहालय है, जिसे 1970 में निर्मित किया गया था। इस म्यूजियम में आपको प्रथम विश्व युद्ध की याद दिलाने वाली कई कीर्तियाँ देखने को मिलेंगी और भारतीय सेना से जुड़ी कई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। इस संग्रहालय में सभी को घूमने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ रखी तस्वीरें देखकर इतिहास के बारे में लोग जानकारी पाते हैं और सेना व युद्ध के बारे में जानकर देश के लिए गौरव महसूस करते हैं। दोस्तों, सातवें नंबर पर बात करते हैं हैदा खान बाबाजी मंदिर। हैदा खान बाबाजी मंदिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम स्थान रहेगा। इस मंदिर का निर्माण हैदा खान बाबा द्वारा ही किया गया था। इसके आसपास के क्षेत्र में यह विश्वास किया जाता है कि हैदा खान भगवान शिव के ही अवतार थे। यह मंदिर रानीखेत में घूमने जाने वाले लोगों के लिए सबसे तीर्थ स्थलों में से एक है। नवरात्रों के दिनों में इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और बाबा जी द्वारा आशीर्वाद पाते हैं। यहाँ मंदिर के अलावा बाबा जी की कुटिया, श्री बाबा अनुसंधान अस्पताल और इटालियन मंदिर भी है। यहाँ आप मंदिर देखने व अच्छी ज़िंदगी की मनोकामना करने के लिए भी ज़रूर आएं। दोस्तों, आठवें नंबर पर बात करते हैं मछखली की। मछखली रानीखेत से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। यह एक ऊँची चोटी है जहाँ से आप बहुत ही शानदार नज़ारा देख सकते हैं। मछखली से आप बर्फ़ से ढके हिमालय के पहाड़ देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इस स्थान से आपको प्रसिद्ध त्रिशूल पर्वत भी दिखाई देता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। धार्मिक लोगों के देखने के लिए भी यहां प्रख्यात माँ काली का मंदिर भी स्थित है। दोस्तों, नौवें नंबर पर बात करते हैं बिनसर महादेव मंदिर। समुद्र तल से 2480 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिनसर महादेव मंदिर एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसका निर्माण 10वीं सदी में राजा पिथु द्वारा करवाया गया था। राजा पिथु ने यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया था और उनकी मूर्ति को मंदिर में विराजमान किया गया, जिन्हें बिंदेश्वर नाम से भी पूजा जाता है। भगवान शिव के साथ साथ यहाँ भगवान गणेश और माँ गौरी और अन्य देवियों की मूर्ति मंदिर में विराजमान है। मंदिर के दृश्य की बात करें तो इसका परिसर बहुत ही सुंदर है। भगवान शिव के इस मंदिर के परिसर में अलग अलग फूलों के साथ साथ चीड़ और देवदार के वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। बिनसर महादेव मंदिर में आकर मन तथा शरीर को जैसी शांति का अनुभव होता है, वह अकल्पनीय है। दोस्तों, 10वें नंबर पर बात करते हैं तारीखेत गांव की। तारीखेत एक छोटा सा गांव है जो रानीखेत से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तारीखेत पर्यटनों का बहुत ही लोकप्रिय घूमने की जगह है। पूरे देश भर से लोग यहां आनंदित होने के लिए आते हैं। यह गांव पहाड़ी स्टेशन होने के साथ साथ भारत के इतिहास से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि भारत के गुलामी के दिनों में महात्मा गांधी यहाँ आकर रुके थे। महात्मा गांधी जहाँ पर आकर रुके थे, उस स्थान को गांधी कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे सैलानी गांधी कुटिया को देखने के लिए यही तारीखेत गांव में आते हैं। इस गांव का तापमान ठंड में बहुत ठंडा और गर्मी में बहुत ही सुहाना हो जाता है। दोस्तों, 11वें नंबर पर बात करते हैं सदर बाज़ार की। दोस्तों, सदर बाज़ार का नाम सुनते ही आपके दिमाग में दिल्ली के सदर बाज़ार का ध्यान ज़रूर आया होगा। दोस्तों, आप दिल्ली के सदर बाज़ार तो बहुत घूमे होंगे, लेकिन रानीखेत के सदर बाज़ार नहीं घूमे तो क्या घूमे। रानीखेत का सदर बाज़ार बहुत ही ज़्यादा जाना माना बाज़ार है। यहाँ खरीदारी करने वालों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। टूरिस्ट के लिए भी इस बाज़ार में देखने के लिए बहुत कुछ है। इस बाज़ार में आप पहाड़ में यूज करने वाले सामान को खरीद सकते हैं और कपड़े भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको पहाड़ का सबसे स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। दोस्तों, आप जब भी रानीखेत जाओ तो इन जगहों में घूमना ना भूलें। मैंने आपको रानीखेत के टॉप 11 जगहों के बारे में बताया है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया तो इसका मतलब आप घूमने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।